बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। ओह भाई साहब माशाल्लाह। आज हम जा रहे हैं यहाँ का लोकल नाश्ता करने, देखते हैं कि किस तरह का होता है और आपको दिखाते हैं। तो चलें चलते हैं होटल की तरफ। यहाँ के लोकल होटल पे हम आए हैं अभी नाश्ता करने, तो होटल भी चेक करवाते हैं आपको और नाश्ते में क्या क्या मिलता है वो भी दिखाते हैं आपको। बहुत ही प्यारा होटल बना हुआ है। बार कोड को स्कैन करें और सारा मेन्यू आपके पास आ जाएगा। होटल में हमें कुछ पसंद नहीं आया तो अभी हम शॉपिंग मॉल में आ गए हैं। यहाँ डंकिन पे जाते हैं, वहाँ पे नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं जी यहाँ का लोकल फूड जो कि काचा पूरी बोलते हैं जिसको। काचा पूरी यहाँ का लोकल फूड है, वो हमने ऑर्डर किया है और ट्राई भी करते हैं और आपको भी चेक करवाते हैं कि ये कैसा होता है। हम भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। ये लैंग्वेज लिखी हुई भाई, ये तो मैं नहीं पढ़ सकता क्या लिखा हुआ। यहाँ पे जॉर्जियन लैंग्वेज ही चलती है, इंग्लिश कम ही चलती है। फ्रैपचिनो बिल भाई आपके लिए, ये ले लो आप, ले लो। नाश्ता आ गया जी हमारा, ये वेजेज है। सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं। भाई साहब माशाल्लाह, ऊपर इसके सॉस डला हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा दूसरा आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकल फूड काचा पूरी, और ये चेक करते हैं। ये इस तरह की रोटी है भाई और इसके अंदर चीज़ डली होती है। बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। भाई साहब माशाल्लाह, गरम गरम और अंदर से चीज़ से भरा हुआ है। ये है जी यहाँ का लोकल फूड, ट्राई करते हैं ये। बिस्मिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त है और अंदर सारी इसकी चीज़ फैली हुई है। ये देखें आप, ये सारा चीज़ से फैला हुआ है, बहुत ही मज़े का, सुपर टेस्टी। ये सामने फुटबॉल स्टेडियम बना हुआ है, बड़ी प्यारी सी ये कॉफ़ी शॉप बनी हुई है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है। अभी हमें समझ नहीं आ रही भाई कहाँ जाएं इस बारिश में। ये पीछे जो आपको टावर नज़र आ रहा है, ये DNA की शक्ल का है, इसको यहाँ पर अल्फ़ाबेट टावर कहते हैं। और इसके टॉप पर होटल बना हुआ है, इस टाइम क्लोज है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए। शाम के टाइम ये ओपन होता है, फिर आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो इसको मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ। ये देखें आप, ये टॉप पे होटल बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ बनी हुई साइडों पे सारी। और अभी हम लेने लगे हैं स्कूटर फिर से कल की तरह। और सामने ये फेरी व्हील बना हुआ है लेकिन इस टाइम ये भी बंद है। ये शाम के टाइम सारी चीज़ें ओपन होती हैं और स्कूटर जहाँ भी जाएँ आपको जो है ना नज़र आएंगे। ये देखें यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी, हर जगह ये रेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी हम लेने लगे हैं स्कूटर। हमने कहा चलें, चीज़ें ये नहीं हैं क्लोज हैं लेकिन चलें स्कूटर लेके तो यही थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और अनलॉक हो गया भाई, कौन सा वाला? यही, इसकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। तो बिस्मिल्लाह लिया है जी हमने रेंट पर फिर से, तो बारिश में हमने कहा थोड़ा चिल मारते हैं। भाई आ जाए आप भी। कैसी राइड थी? बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया। समुंदर के साथ साथ ये सारा एरिया बना हुआ है, साफ़ सुथरा, और कितना VIP बना हुआ है। ये रोड साइड पे इन्होंने बहुत ही प्यारा सा वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक बनाया हुआ है। सामने देखें और सामने पहाड़ है सारे, और उसके उस साइड पे टर्की का बॉर्डर है। टर्की यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा दूर है और
कश्ती वगैरह भी यहाँ पे हैं, ये चलाते हैं लेकिन अभी फिलहाल रुकी हुई हैं। बादलों ने शहर को घेरा हुआ है भाई। इनकी हिस्ट्री ये है कि लड़का जो है अली वो अज़रबैजान का था और लड़की नीनो जॉर्जिया की थी। लड़का मुसलमान था और लड़की क्रिश्चियन थी। इन दोनों को आपस में शादी नहीं करने दी गई थी तो फिर इन्होंने इसी समुंदर में खुदकशी कर ली थी और फिर ये उनकी याद में ये स्टैचू बनाया गया है। ये सामने कश्ती वगैरह खड़ी हुई हैं, बाइक्स भी हैं और लेकिन ये अभी ये है कि 4 बजे ओपन होगा सारा कुछ। ये होटल बने हुए हैं साथ और आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू हो गए क्योंकि बारिश की वजह से चीज़ें इतनी ओपन नहीं हो रही। बारिश हो रही थी इसलिए अभी बारिश रुक गई है तो अभी ये सारा कुछ ओपन हो गया इस टाइम। ये फ्रूट्स इस तरह से बेच रही है खाला। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। हाउ मच? 5 सो आई कैन मेक वीडियो। ओके। औरतें किस तरह काम कर रही हैं। फ्रेश जूस। ओके। कुछ चीज़ें अगले का अखलाक देख के बंदा कहता है चले ले ले। औरत इतनी खुश अखलाक थी मैं आपको क्या बताऊं। ये सोवेनियर्स की शॉप है। बातूमी अली एंड नीनो जो बाहर आपको दिखाया है। जॉर्जिया benim onları düşünmüştüm. Bundan sonra bunun yanlarına da gittik. Bunu bitti ये लूडो का छक्का है और ये किसी के सर पे मारो तो उसने भी छक्का हो जाना। ये बनी हुई अली एंड नीनो की पिक्चर। अली नीनो बातूमी। आप लोगों को ऊपर से नज़ारा दिखाने के लिए हम अभी फेरी व्हील में बैठने लगे हैं, फिर आपको व्यू चेक करवाते हैं सी साइड और एवरीथिंग। 10 लारी की टिकट है और एक राउंड तकरीबन 10 मिनट का है तो अभी जा रहे हैं ऊपर फिर आपको दिखाते हैं नज़ारा। बैठ गए हम फेरी व्हील के अंदर और अब ऊपर से खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। वो एक सामने जहाज आ रहा है अभी आप व्यू चेक करें यहाँ का। भाई डर भी लग रहा है थोड़ा। बहुत ऊंचाई पे आ गए हम। अभी हम इसके ऊपर नहीं पहुंचे टॉप पे, अभी तकरीबन मिड में ही पहुंचे हैं। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है यार यहाँ पे। नबील भाई यहाँ पे बैठे। नबील भाई इधर देखें, आप तो आते ही नहीं सामने। ये देखें जी सारा बातूमी है सामने, सारे ये टावर्स वगैरह बने हुए हैं और अभी देखें अल्फाबेट टावर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। के टॉप पे हम पहुंच गए गाइस। अभी आप व्यू चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है और मौसम भी बहुत प्यारा है और आपके भाई को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। सामने वो देखें बेरी जहाज जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। वो सामने भी इनके अंदर होटल वगैरह बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं और रात के टाइम बड़ा माहौल होता है। दिन में हम इसलिए आए, हमने कहा थोड़ा अच्छे से नज़र आए आपको, अच्छे से दिखा पाए हम। भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त है और जगह भी बहुत अच्छी है और टाइम भी बहुत अच्छा है।